हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई हो कि आप लोग सब लोग सही होंगे। यहाँ पे उत्तराखंड की ओर से एक और वैकेंसी आ चुकी है जिसमें जेई ए के पत्र रखे गए हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन। जैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, ये हिंदी में भी है ठीक है, ऊपर और नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसमें 9 पद रखेंगे, 9 पद ठीक है, जिसमें 25,000 आपके पास पर मंथ रहने वाले हैं, फिक्स्ड सैलरी है ठीक है। तो बात करें आपके पास एज लिमिट की, 35 एज लिमिट है इसकी। बी बीटेक इसमें मांगा गया है सिविल इंजीनियर से। आपका इंटरव्यू डेट की बात करें, 5/12/2022 को आपके पास इंटरव्यू डेट होगा। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं वहीं जाके 8 बजे से, यानी कि 8:30 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू 10 बजे से आपके चलने वाले हैं ठीक है। सेकेंड बात करें आपके पास प्रोजेक्ट एसोसिएट टू, यहाँ पर भी 9 वैकेंसी रखी गई है, 9 पद रखे गए हैं ठीक है। यहाँ पर 28,000 आपके पास रहने वाला है। यहाँ पर भी 35 साल आपके पास एज लिमिट है। यहाँ भी बीबीटेक मांगा गया है, मगर इसमें क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें नो एक्सपीरियंस है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ये भी आपके पास 5/12/2022 इसको इंटरव्यू होगा, 8:30 से 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 10 बजे से आपके पास इंटरव्यू सेशन दिया जाएगा। अब बात करें हम इसमें बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट, यहाँ पे 25,000 आपके पास रहने वाली है। सैलरी 3 नंबर और पोस्ट है यहाँ पे। 35 साल आपके पास एज लिमिट है। बी बीटेक मैकेनिकल से मांगा गया है ठीक है। 6 तारीख का आपका इंटरव्यू रहने वाला है, 8:30 से 10 बजे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 10 बजे से इंटरव्यू रहेगा आपके पास। अब बात कर लेते हैं हम इसमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट में, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 1 है ठीक है। 42,000 आपके पास रहने वाली सैलरी प्लस HRA रहने वाला है ठीक है। बी बीटेक मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियर, 4 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 6 तारीख को आपके पास इंटरव्यू सेशन रहने वाला है, 8:30 से 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 10 बजे से इंटरव्यू सेशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके पास प्रोजेक्ट एसोसिएट, आपके पास 1 पद रहेगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जिसमें सैलरी की बात करें 25,000 प्लस HRA आपके पास रहने वाली है। यहाँ पे भी 35 साल आपके पास एज लिमिट है। बी बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा गया है। 6 तारीख को आपके पास, 6 दिसंबर को आपके पास यहाँ पे इंटरव्यू सेशन रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं हम डिप्लोमा सिविल के लिए ठीक है। फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ओर से है, यहाँ पे 8 पद रखे गए हैं। 20,000 प्लस HRA यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 50 ईयर्स आपके पास एज लिमिट है। 3 साल का डिप्लोमा सिविल होना चाहिए। 8 तारीख को आपके पास इंटरव्यू रहेगा, 8:30 से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 10 बजे से आपके पास इंटरव्यू रहेगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 20,000 यहाँ पे प्लस HRA रहेंगे। 50 साल आपके पास एज लिमिट रखी गई है, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में मांगा गया है। यहाँ पर भी आपके पास देखेंगे 8 तारीख को आपका इंटरव्यू सेशन रहने वाला है, 8:30 से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन, 10 बजे से आपके पास इंटरव्यू सेशन रहेगा। फिर बात करते हैं आपके पास प्रोजेक्ट एसोसिएट टू, यहाँ पर भी 1 पद रहने वाला है ठीक है। 28,000 प्लस HRA, बी बी टेक मांगा गया इलेक्ट्रिकल से, विद एक्सपीरियंस मांगा गया 2 साल का। 8 तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, रजिस्ट्रेशन 8:30 से 10 बजे तक, इंटरव्यू 10 बजे तक आपके पास रहने वाला है ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट टू, 1 पद है, 28,000 प्लस HRA, 35 साल आपके पास एज लिमिट रहने वाली है। बी बी टेक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से मांगा गया है, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। 8 तारीख को ही आपके पास 8 दिसंबर को ही इंटरव्यू रहेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन 8:30 से 10 बजे तक, इंटरव्यू आपके पास 10 बजे से शुरू होने वाला है। तो इसमें बात कर लेते हैं हम, इसमें डिप्लोमा में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं हम, यह आपको फॉर्म भर के ले जाना है वहाँ पे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसी में ही होगा आपके पास, देख सकते हैं। ये इंग्लिश में भी होगा आपका, हिंदी में भी, दोनों में उपलब्ध होगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं, ये फॉर्म आपको भर के वहाँ ले जाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट के साथ। ये आपके पास इंग्लिश में हो गया फॉर्म ओके, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन 10th का 12th का आप डाल सकते हैं, डिप्लोमा का अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके, एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। इसको अच्छी खासी वैकेंसी है, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है वो अप्लाई जरूर करें ओके, जिसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा हो फ्रेशर कैंडिडेट है, अप्लाई जरूर करें। अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छा खासा यहाँ पे CSIR की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है, बहुत समय बाद निकाली गई है, विद इंटरव्यू होगा आपके पास। सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे आपके ओके। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।